में मैं आपको बताऊंगा वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत बुजुर्ग, विधवा, विकलांग व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं, उनको पेंशन प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें पेंशन आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल आदि वर्ग के को पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को, 58 वर्ष या उससे अधिक के पुरुषों को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और 75 साल से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने परिवार की आय 48,000 से कम होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होती है तो अपन पेंशन के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको फुल डिटेल के बारे में जानना है वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, तो आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ अपनी, आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है bestnow24.blogspot.com bestnow24.blogspot.com के नाम से वेबसाइट है। इस पर आपको आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप फर्स्ट नंबर पे बता रहा है वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी, तो दोस्तों इस योजना का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना के बारे में सारी डिटेल मैंने इसमें बता रखी है, तो आप यहाँ पे जाके bestnow24 के नाम से वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप इस पे जाके वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप पेंशन का सत्यापन किस तरीके से कर सकते हो, वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना SSID लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यूटिलिटी पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको एविल सर्विस पे यहाँ पे आपको राज SSP ये डालना है, उसके बाद में नीचे पेंशनर ईयरली वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में आर यू श्योर वांट टू रिडायरेक्ट थर्ड पार्टी पोर्टल, आपको ओके करना है। जैसे दोस्तों आप ओके कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे लॉगिन कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे होम एप्लीकेशन यूटिलिटीज पे ऑप्शन आता है ईयरली वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे अपना पेंशन का वार्षिक सत्यापन ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क यहाँ से करना है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर RJA यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है पेंशन का। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेबसाइट है जन सूचना के नाम से, तो आपको jansuchna.rajasthan.government.in पे क्लिक करना है। इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए और अधिक तो आप कमेंट कर देना मेरे को, ताकि मैं आपको इसके बारे में एक नया वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर डालोगे खोजे पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप खोजे पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास पेंशन नंबर नहीं है तो इसके द्वारा आप अपने आधार नंबर के द्वारा पेंशन नंबर निकाल सकते हो। जो भी आपकी PPO नंबर है वो आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ से मैं इसको पेंशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ।
तो आपके सामने जैसे आप सो पे क्लिक करोगे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में 50 रुपए की रसीद कट जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना पेंशन का सत्यापन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।